बिल्कुल उस तरह से तो एक स्क्रिप्ट बनाना बहुत जरूरी होता है. इसमें कौन से फैक्टर्स काम करते हैं एक बार हम लोग उस चीज के बारे में देखेंगे. एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड. ओके स्टोरी, स्टोरी के बारे में हम लोगों ने बात की अभी, स्टोरी क्या है. ओके उसके बाद में स्क्रिप्ट, जैसे हमने कहा डायलॉग्स और स्क्रीन पे, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर स्क्रिप्ट में, राइट. उसके बाद में डायरेक्शन. अब डायरेक्शन मतलब डायरेक्टर, तो डायरेक्टर क्या करता है अब इसके बारे में कोई बता सकेगा? एनीवन प्लीज प्लीज रेज योर हैंड. कोई प्लीज जरूर पता होगा डेफिनेटली. प्लीज आपका नाम बताइए. श्रीजीत. श्रीजीत My name is Srijit Kadam and the director's work is to direct how the film proceeds further. बराबर है, सही है, गलत नहीं है, लेकिन direct मतलब क्या है exactly? Like he decides what happens next and how it is to be presented in front of you. वो तो script पे writer करेगा ना? कोई और प्लीज. जिनको इस डिपार्टमेंट के हेड्स
लीड करते हैं, जैसे स्टोरी के लिए स्टोरी राइटर होता है या फिर स्क्रिप्ट प्ले के लिए स्क्रिप्ट राइटर होता है, सिनेमाटोग्राफर यानी जो शूट करता है, कैमरा कैमरा पर्सन जो कैमरा हैंडल करता है इस सिनेमाटोग्राफर, सो सिनेमाटोग्राफर हो गया, एडिटर्स हो गए, इन सब लोगों को जो लीड करता है, जिसके विजन से फिल्म बनती है, जो इन सब लोगों को लीड करता है इस डायरेक्टर, दैट्स व्हाई वी कॉल हिम कैप्टन ऑफ द शिप। ओके, उसके कहने के मुताबिक टीम रिक्रूट की जाती है, टीम को वहां पे असाइन किया जाता है, पीपल किसको देना है किसको नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब कुछ डायरेक्टर डिसाइड करता है। इनफैक्ट आपने ये कहा था कि कौन से एक्टर के लिए, तो उसके लिए कास्टिंग डायरेक्टर काम करता है, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर को भी डायरेक्टर अपॉइंट करता है, डेफिनेटली। सो नाइस, तो ये सारी चीजें हैं जिनकी जरूरत पड़ती है हमें फिल्म बनाने के लिए। सिनेमाटोग्राफर क्या होता है, आप सब लोग सिनेमाटोग्राफर वॉच करते हैं, यू ऑल हैव योर मोबाइल मोबाइल फोन्स, करेक्ट, आपके पास होगा, सबके पास होगा, कुछ लोगों के पास नहीं होगा शायद, घर वालों ने निकाल लिया होगा, हो सकता है, मतलब हमारे सेलफोन में भी आज कैमरा है ना, और फिल्म बनाने के लिए सिर्फ कैमरा की जरूरत नहीं होती है, अगर आप शॉर्ट फिल्म भी बना रहे हो उसके लिए आपके पास एक विजन की जरूरत होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने तानाजी देखी होगी, लेकिन तानाजी की कहानी भी आपने बचपन में सुनी होगी, लेकिन उसको विजुलाइज किसी ने किया और पर्दे पर लाया एक फिल्म के रूप में, सो दैट ही इज डायरेक्टर, जिसका वो विजन था उसका नाम ओम राउत, तो उसने आपने सिर्फ सुनी, उसने वो देखी और आपको भी दिखाई, तो आप भी ये कर सकते हो। So that's how right now what we are doing, why we are here, ये सब मतलब आपने सोचा होगा कि कब से आया है, पक चल रहा है, सब कुछ बोल रहे हैं, क्यों बता रहा है, हम लोगों को क्या करना है इस सारी चीजों से, डेफिनेटली यू आर द यूथ, आज के डेट में आप सब लोग आपके हाथ में एक मोबाइल फोन लेकर घूम रहे हैं, और आप सब लोग आपके पास बहुत पोटेंशियल है, आप लोगों को पता है, यहाँ पे मौजूद बहुत से बच्चों को ये पता है कि क्या है फिल्म मेकिंग, मतलब बहुत बच्चों ने जवाब भी दिए जो सवाल आपने पूछे उन सारी चीजों के, डेफिनेटली एक मैसेज हम लोग भी देना चाहते हैं सोसाइटी को, हमारी शॉर्ट फिल्म के जरिए हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन। ओके, अब ये शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन ऑल ओवर इंडिया के लिए होने वाले हैं, पैन इंडिया, ओके, अलग अलग जगह से अलग अलग स्टेट्स से बहुत सारे लोग इसमें एंट्रीज ले रहे हैं, अभी कॉम्पीट करने के लिए आ रहे हैं कई सारे लोगों के साथ, बट वी आर सिलेक्टिंग ओनली 50 शॉर्ट फिल्म्स, ओनली 50 शॉर्ट फिल्म्स वी आर गोइंग टू सिलेक्ट 50 शॉर्ट फिल्म्स, उसके लिए जूरी पैनल भी हमारे होंगे जो आज इंडस्ट्री में वेल नोन लोग हैं, बहुत अच्छे मुकाम पर वो आज काम कर रहे हैं, ऐसे सारे लोग यहाँ पर आकर ये शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन को जज करने वाले हैं, उसी के साथ में कुछ वेल नोन सब वेल नोन पीपल दे आर कमिंग फॉर टेक्निकल सेशंस। ओके, वो टेक्निकल सेशंस भी यहाँ लेने वाले हैं, जो वहाँ पे आपको बताएगा, मैंने तो बता दिया आपको राइट नाउ एज अ राइटर डायरेक्टर, जितना मुझे पता है मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई डायरेक्टर बने या राइटर बने, कोई एडिटर बनना चाहता है, कोई बनना चाहता है राइटर, कोई बनना चाहता है सिनेमाटोग्राफर, हर किसी की अपनी अपनी एक चॉइस होती है, अपनी एक पसंद होती है, किसी को कैमरा अच्छा लगता है, लगता है यहाँ पे कुछ हो गया ऐसे जिन्हें कैमरा बहुत अच्छा लगता होगा, इफ यू हैव DSLR कैमरा यू कैन शूट एनी शॉट फिल्म, तो एक मैसेज हम लोग कन्वे करना चाहते हैं इस कॉम्पिटिशन के जरिए पूरे हिंदुस्तान में, वो है कुछ बता सकते हैं कि सिविक सेंस क्या है? प्लीज कम ऑन एनीवन, कोई है? बहुत यार, कम ऑन, सिविक सेंस के बारे में कुछ नहीं बोल सकते आप? क्या
सिविक सेंस का मतलब क्या होता है? हम लोग काफी हम लोग अक्सर देखते हैं रास्ते से आते जाते हैं, सिग्नल लगे हुए रहते हैं, कोई बंदा आके सिग्नल तोड़ के चला जाता है, तो सिग्नल क्यों लगाया? ग्रेट, प्लीज। Sir, civic sense is the one that you should follow when you are in a society. Follow, but what to follow? देखिए, अगर मेरी वजह से किसी को तकलीफ होती है, अगर मैं कोई ऐसी चीज करता हूं जिसकी वजह से 10 लोगों को तकलीफ होती है और मुझे शायद रियलाइज नहीं होता, लेकिन मेरे लिए कोई चीज गलत ही है, तो वो एक सिविक सेंस होता है। जैसे मैंने अगर इफ आई एम स्ट्रेटिंग ऑन रोड, पान लगे धूप रहा हूं, सिग्नल तोड़ के चला जा रहा हूं, या फिर यू नो वेरी वेल कहीं पे लिखा हुआ था दीवार पे यहाँ पे सुसु करना मना है, पीपल आर स्टैंडिंग देयर और उसके फोटोज वायरल होते हैं फेसबुक पर, सो ऐसी कई सारी चीजें होती है जिसे हम देखते हैं जो गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं करते। कई सारे लोग मतलब देश को सुधारने की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें जरूरत है अपने आप को सुधारने की, देश अपने आप सुधर जाए, दैट इज व्हाट वी आर थिंकिंग। सो ये जो शॉर्ट फिल्म है ये बनानी है जिसके लिए नाउ योर स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स के लिए इस कुछ स्पेशल हम लोग ऑफरिंग्स उसके अंदर ला रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे यहाँ पे आके ये शॉर्ट फिल्म बनाए, इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि आप लोग क्या चाहते हो वो भी हम लोग लोगों तक पहुंचा सके, क्योंकि इसमें Zee Network इज आवर पार्टनर। प्रोबेबली वी आर गोइंग टू पुट योर शॉर्ट फिल्म ऑन Zee 5, ओके, सो कुछ अपॉर्चुनिटीज है उसमें भी। हम लोग चाहते हैं कि आपके हाथ में जो गैजेट है उसका सही इस्तेमाल हो, उसका सही इस्तेमाल करके आप अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाएं। इसका ड्यूरेशन है 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स शॉर्ट फिल्म का ड्यूरेशन होना चाहिए 50 सेकेंड्स। अगर 50 सेकेंड्स से ज्यादा हो तो भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी, और अगर 50 सेकेंड्स से कम हो तो भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। So that's a challenge. क्या लग रहा है?